नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। पिछले एक दो दिन से एक न्यूज आप काफी सुन रहे होंगे, अटल टनल। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है, अबाउट 10,000 फीट। काफी जबरदस्त इसमें फीचर्स हैं। क्या इसका पूरा कॉस्ट है, क्या इसके अंदर फीचर्स है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर, मेरा नाम गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो शुरुआत से मैं शुरू करता हूं। 3 जून 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम ऐसी कोई टनल यहां पर इस जगह पर बनाएंगे। उसके बाद सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को इस टनल की नींव रखी, इस टनल की शुरुआत की, कंस्ट्रक्शन की उन्होंने शुरुआत की। और अब रिसेंटली 3 अक्टूबर 2020 को इस टनल का इनॉग्रेशन हो गया, ये टनल स्टार्ट हो गई। बात करता हूं प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में, तो 3200 करोड़ 3,200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। क्या इस टनल की स्पेसिफिकेशंस है, क्या इस टनल से फायदा हुआ, चलिए अब उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैसे तो सभी बोल रहे हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, सबके दिमाग में यही है कि ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है, अबाउट 10,000 फीट। अगर सी लेवल से हम इतनी हाइट पे देखें तो पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर इतनी लंबी टनल नहीं है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ऑन द ग्राउंड ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल नहीं है, तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है अबाउट 10,000 फीट। तो मैं बात करूं टनल की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, क्या इसके अंदर है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें सीसीटीवी कैमराज इसमें अंदर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज के साथ साथ टेलीफोनिक फीचर्स भी हैं। आप हर 200 मीटर पे आपको टेलीफोन करने की सुविधा मिल जाएगी। अगर मान लीजिए टनल के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाए और आपको इमरजेंसी एग्जिट लेना पड़ जाए, तो हर 200 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा इन्होंने दी है। अगर मैं बात करता हूं तो एयर वेंटिलेशन की सुविधा है। देखिए, 10,000 फीट काफी हाइट हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की भी जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है जैसे जैसे हम ऊपर हाइट इंक्रीज करते हैं। तो एयर वेंटिलेशन है, काफी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें घुटन महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी इस टनल के अंदर। साथ साथ फायर हाइड्रेंट्स, आग लग जाती है जब वो सिलेंडर्स जो होते हैं वे भी इस टनल में अवेलेबल हैं। अब चलिए नजर डालते हैं इसके मैप पर, क्या इसका बेनिफिट हुआ टाइम को लेकर, क्या इसका बेनिफिट हुआ रूट मैप पे। तो चलिए देखते हैं एक बार मैप पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है, जो थिक ब्लैक लाइन है, ये अटल टनल है। इस साइड है साउथ पोर्टल, उस साइड है नॉर्थ पोर्टल। तो देखिए, ये साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल को कनेक्ट करती है। इस टनल की वजह से 5 घंटे का टाइम बच जाएगा। अगर हमें ट्रेवल करना हो साउथ पोर्टल से लेके नॉर्थ पोर्टल तक, तो देखिए इस साइड रोहतांग पास से पूरा पास करके हमें ये काफी लंबा जो रूट हो जाता है। लेकिन इस टनल की वजह से सीधा साउथ पोर्टल को नॉर्थ पोर्टल से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का आपका कीमती समय बच जाएगा। काफी जबरदस्त प्रोजेक्ट था, 10 साल इसको लग गए बनने में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था जो 3 अक्टूबर 2020 को पूरा हुआ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए। जल्दी मिलूंगा ऐसे किसी टॉपिक के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बढ़ती हुई महामारी से स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।